कृति सैनन ने किया है एक बहुत बड़ा पोस्ट, वो भड़की है मीडिया पर और साथ ही उन लोगों पर जो कृति की चुप्पी के बाद उन पर उंगलियां उठा रहे थे। दरअसल कल कृति सैनन ने जो है एक बहुत ही प्यारा पोस्ट सुशांत के नाम लिखा, तस्वीरों को शेयर किया और उन्होंने लिखा कि काश तुमने जो है जो तुमसे प्यार करते थे लोग उनको दूर ना किया होता, काश तुम्हारे अंदर जो चीज़ें टूट गई थी उनको मैंने ठीक कर दिया होता, जोड़ दिया होता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआएं करती थी जब तुम थे, अब जब नहीं हो तब भी करूँगी। और आज जो है उन्होंने मीडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात लिखी और सुशांत के लिए भी, हालांकि पोस्ट थोड़ा लंबा है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लास्ट तक सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि कृति जो है वो क्या कहना चाहती हैं। वो सुशांत की कोस्टार रह चुकी हैं और बॉलीवुड में काफ़ी समय से हैं। इट्स स्ट्रेंज दैट द अदरवाइज ट्रोलिंग गॉसिपिंग वर्ल्ड सडनली वेक्स अप टू योर नाइसनेस एंड पॉजिटिव साइड वंस यू आर गॉन। सोशल मीडिया इज द फेकेस्ट मोस्ट टॉक्सिक प्लेस एंड इफ यू हैव नॉट पोस्टेड रेस्ट इन पीस और सेड समथिंग पब्लिकली यू आर कंसिडर्ड नॉट टू बी ग्रीविंग व्हेन इन रियलिटी दोज आर द पीपल ग्रीविंग फॉर रियल। इसके आगे वो मीडिया के लिए लिखती हैं, सम मीडिया पीपल हैव कम्प्लीटली लॉस्ट देयर मोटिव एंड सेंसिटिविटी एट अ टाइम लाइक दिस। ऑल दे डू इज आस्क यू फॉर कम लाइव और गिव अ कमेंट लाइक रियली। इसके बाद वो बताती हैं कि जब मैं पहुंची थी अंतिम दर्शन के लिए भी तो वहां पर भी मौजूद मीडिया मुझसे कह रहा था कि मैडम कांच नीचे करो, मैडम बात करो। तो वो कहती हैं कि एक क्लियर पिक्चर पाने के लिए आप मुझे बोलते हैं कि कांच नीचे करो। फ्यूनरल इज़ अ वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल अफेयर, लेट्स पुट ह्यूमैनिटी बिफोर यूर प्रोफेशन। बहुत लंबे पोस्ट हैं लेकिन हालांकि मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ। उनका ये कहना है कि ये साफ होना चाहिए जब आप किसी के बारे में कोई भी खबर करते हैं कि या तो आप उसका नाम लेके खबर करें या तो फिर ना करें। वो कहती है देयर शुड बी रूल्स फॉर जर्नलिज्म, समवन शुड डिफाइन व्हाट्स एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। ब्लेम गेम की वो बात कर रही हैं कि सुशांत के जाने के बाद जो इंडस्ट्री में ब्लेम गेम शुरू हुआ है, द ब्लेम गेम नेवर एंड्स, स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट एनीवन एट ऑल, स्टॉप द गॉसिप, स्टॉप थिंकिंग यू नो इट ऑल और यूअर ओपिनियन इज द ट्रूथ, एवरी वन इज बैटलिंग अ फाइट यू नो नथिंग ऑफ, सो नाउ दैट एनी नेगेटिविटी कमिंग आउट योर माउथ, एनी ट्रोलिंग, एनी बिचिंग शोज दैट यू वट यू आर। फिर वो आगे बताती हैं कि किस तरह से वी नीड टू स्टॉप फ्रेज लाइक लड़के नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते, डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, क्राइंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, सो क्राई यूर हार्ट आउट, स्क्रीम इफ यू नीड टू, नो एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग, इट्स ओके टू नॉट बी ओके बट टॉक इट आउट विद द वन यू फील माइट अंडरस्टैंड, टेक यूर टाइम टू हील, होल्ड ऑन टू यूर फैमिली एंड पीपल हु जेन्युइनली लव यू एंड केयर अबाउट यू, नेवर लेट देम गो, दे आर यूर स्ट्रेंथ एंड विल बी यूर साइड नो मैटर वट, सो लेट देम बी अराउंड, नो वन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बैटल लाइफ अलोन। तो बहुत ही प्यारा पोस्ट लिखा है उन्होंने। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात की कि जब उनकी ट्रोलिंग हुई, जब उन्होंने मैसेज नहीं डाला, किस तरह से मीडिया ने जो है जब वो पहुंची क्या उनसे बातें की, किस तरह से उन्हें कांच नीचे करने को कहा, कैसे उनसे कहा जाता है कि आप लाइव पर आकर बात करेंगी। वो कहती हैं कि फेक वर्ड है सोशल मीडिया, रियल वर्ड वही है जो आपका परिवार है। अगर आपको रोना है तो रोइए, रोना वीकनेस नहीं है और कभी भी अकेले मत समझिए अपने आप को, आपके परिवार के साथ रहिए और परिवार से अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ों को कृति ने अपने इस पोस्ट में लिखा है लेकिन एक बात साफ है कि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है कि सुशांत के जाने के बाद जिस तरह से लोग जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं, उनके लिए फेक सपोर्ट दिखा रहे हैं और जिस तरह से मीडिया जो है खबरें बता रहा है और जिस तरह से बॉलीवुड में उनको लेकर मैसेजेस आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों से कृति वाकई में काफ़ी नाराज़ भी है और परेशान भी है।